स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। महेश जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। फ़ोन पर बात करने के बहाने मोबाइल फ़ोन लेकर चोर फरार हो गया और युवक देखता ही रह गया। आमतौर पर मोबाइल फ़ोन जेब से चोरी कर लेना या फिर फ़ोन छीन कर भागना, ये मामले तमाम सामने आते हैं। मगर इंशानगर के रहने वाले अयान, जो सुबह के वक्त इटली लेने के लिए जा रहे थे और कौसा कब्रस्तान के आगे कादर पैलेस के पास मेन रोड पर ही ये पहुंचे थे, और यहीं पर एक युवक पहले से ही खड़ा था, अयान को रोक लिया और कहा कि अर्जेंट बात करना है, दो मिनट के लिए अपना मोबाइल फ़ोन दे दो। और अयान भी उसके बातों में आ गया और अयान ने उसे मोबाइल फ़ोन बात करने के लिए दे दिया, और ये युवक बात करते करते आगे बढ़ते जा रहा था। अयान उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि आप आगे क्यों जा रहे हो, आगे क्यों जा रहे हो। अचानक ये जो युवक था ये आगे की तरफ दौड़ा और एक इमारत में जाकर घुस गया और इमारत के दूसरे रास्ते से बाहर निकल गया। हालांकि अयान भी उस इमारत में गया, लेकिन उस युवक को अयान पकड़ नहीं पाया और वो मोबाइल लेकर फरार हो गया। इस पूरे मामले को लेकर अयान ने मुमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। अयान ने बताया कि करीब 22,000 का लावा का मोबाइल फ़ोन था, जो युवक बात करने के बहाने लेकर फरार हो गया। भाई क्या नाम है आपका? अयान नाम है मेरा। अयान भाई, आपका फ़ोन चोरी हुआ था, ये व्यक्ति ने आपसे फ़ोन मांगा था, ऐसा आप बता रहे थे। आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे, क्या पूरा मामला था, क्या कहना चाहोगे? मैं सुबह के 7:30 बजे सामान लेने बाइक से निकला था, तो कादर पैलेस के पास मैं वहाँ पे एक बंदा रुका हुआ था, उसने मुझे हाथ दिखाया, मैं उसके लिए मुझे लगा कुछ काम है उसको, तो मैं रुक जाता 2 मिनट के लिए। मैंने रुका तो उसने बोला भाई मुझे थोड़ा फ़ोन करना, अपना मोबाइल दे सकते हैं क्या आप? मैं बोला ठीक है भाई, आप ले लीजिए फ़ोन। उनने फ़ोन लिए और बोले थोड़ा आगे ये बिल्डिंग तक के चलिए, मुझे बात करनी अपने भाई से, बहुत अर्जेंट है। तो मैंने सोच समझ के उनको दे दिया। कौन सी बिल्डिंग तक ले? कादर पैलेस की सोसाइटी के पास। कादर पैलेस की सोसाइटी, हाँ। अच्छा, तो वहाँ पे रोड पे जो बिल्डिंग है वो? हाँ, रोड के नीचे ढलान के साइड गई है ना, हाँ, वो एक बिल्डिंग है। अच्छा। तो उसने थोड़ा पास में लेके गया, मुझे मालूम नहीं था वो एरिया कौन सा है। उसने बोला 2 मिनट भाई फ़ोन कर रहा, उसने हेलो हेलो बोला और बिल्डिंग के अंदर गया, और बिल्डिंग के अंदर के बाद जाने के बाद थोड़ा आगे गया ना, वो भागने लगा। मैं देखा क्या कर रहा है, फिर मैं उसके पीछे दौड़ा जैसी, तो मैं दूसरे माले पर चढ़ गया, वो एक माले से भाग गया। मैं उधर एक अंकल मिले, मैंने उनसे पूछा कि अंकल यहाँ पे कोई लड़का गया? अंकल बोले नहीं, नीचे से एक एंट्रेंस है और एग्जिट भी वहीं से, तो वहाँ से भाग गया होगा। तो मैं वहाँ से भागा, देखा तो वहाँ पे लड़का गायब हो चुका था, मेरा मोबाइल लेके गया। सीसीटीवी वगैरह भी कुछ आया है क्या? हाँ, सीसीटीवी कैमरा हम लोग ने देखे, उधर इंक्वायरी किए तो 3-4 सीसीटीवी कैमरा में उसकी शक्ल दिखी है, वो बाकायदा दिख रहा है एकदम अच्छे से, उसका फोटो दिख रहा है, उसका मुँह दिख रहा है। हम लोग पुलिस स्टेशन पर आए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे, उन्होंने कंप्लेंट लिए है, अभी बोलेंगे आगे वारंटी बताएंगे। कौन सा फ़ोन था आपका और कितने रुपये का? लावा अग्नि 2 था और ये न्यू फ़ोन था मेरा, एकदम 3-4 महीने ही हुआ था लिए हुए, और ये 23,000 का था, 8 GB वाला मोबाइल, और जो चोरी हुआ।